रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग लगातार भयानक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के चेर्निहिव में मिसाइल हमला किया है। इस हमले में 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 61 लोगों के बुरी तरह से जख्मी होने की खबर है। रूस यूक्रेन संघर्ष के शुरुआती दौर में रूस ने चेर्निहिव को घेर लिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूसियों को यहां से खदेड़े जाने और यूक्रेन की वायु सुरक्षा में सुधार के बाद से लोग इस क्षेत्र में वापस लौट आए थे, लेकिन 17 अप्रैल को रूस ने इस क्षेत्र में 3 मिसाइलें दागी, जिससे हालात फिर से बिगड़ गए हैं। चेर्निहिव राजधानी कीव से करीब 150 किलोमीटर दूर रूस और बेलारूस की सीमा के पास स्थित है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 2,50,000 है। चेर्निहिव शहर के प्रमुख अलेक्सेंडर लुमाको ने कहा कि मैंने स्वयं सड़क पर क्षतिग्रस्त कारों के भीतर खून से लथपथ लोगों के शवों को देखा। मैंने पीड़ितों की जन्मतिथि देखी। मरने वालों में कई युवा भी शामिल थे। बचाव कर्मी अभी भी मलबे में पीड़ितों की तलाश कर रहे हैं। इस हमले ने ये बता दिया है कि यूक्रेन को वायु सुरक्षा उपकरणों की जरूरत है। ऐसे में माना जा रहा है कि सैन्य साजो सामान न मिलने से यूक्रेन अब कमजोर पड़ रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अधिक एयर डिफेंस सिस्टम प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेर्निहिव हमले के बारे में कहा कि अगर यूक्रेन को पर्याप्त वायु रक्षा प्रणाली मिले होते और रूसी आतंक का मुकाबला करने के लिए दुनिया का दृढ़ संकल्प होता तो ऐसा नहीं होता। ज़ेलेंस्की ने इस सप्ताह की शुरुआत में प्रसारित एक साक्षात्कार में PBS को बताया था कि मिसाइल और ड्रोन हमले से बचाव करते हुए यूक्रेन के पास वायु रक्षा मिसाइलें खत्म हो गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिश शमिहाल ने दावा किया है कि अगर यूक्रेन रूस से हार जाता है तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना होगा। डेनिश ने अमेरिकी कांग्रेस से विदेशी राहत बिल पास करने की मांग की है। यूक्रेन को राहत पैकेज दिए जाने पर अमेरिकी संसद में शनिवार 20 अप्रैल को वोटिंग होनी है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस पैसे की कल जरूरत थी, हमें इस पैसे की आज जरूरत नहीं है और हमें इस पैसे की आने वाले कल में भी जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमें नहीं बचाया गया तो यूक्रेन हार जाएगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी व्यवस्था ढह जाएगी। दुनिया को सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था की जरूरत होगी, ऐसे में फिर नए तनाव पैदा हो सकते हैं, ऐसे कई युद्ध देखने को मिल सकते हैं, यह मामला तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन की ओर से हारने की स्थिति में ऐसी चेतावनी दी गई हो। पिछले साल भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने के लिए पोलैंड पर हमला कर सकता है, लेकिन रूस की ओर से इस तरह के दावों को खारिज कर दिया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने रूस के पूर्वी यूरोप पर हमला करने के दावों को पूरी तरह से बकवास बताया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।